लास्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट किए थे प्रोटेस्टा के बारे में, हमने प्रोटेस्टा के क्लासिफिकेशन को समझा था। आगे बढ़ने से पहले बहुत ज़रूरी है हमें ये जानना कि एल्गी क्या होती है। अगर हम बात करें एल्गी की, तो एल्गी एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है। अब ये एल्गी मुनेरा में पढ़ेंगे तो उसमें भी पाया जाएगा, प्रोटेस्टा पढ़ोगे तो उसमें भी पाया जाएगा, प्लांटेई पढ़ोगे तो उसमें भी पाया जाएगा, यानी एल्गी हर जगह पाई जाएगी आपको। अगर हमसे मुनेरा में बोलोगे तो हम ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ाएंगे, प्रोटेस्टा के बारे में बोलोगे तो गोल्डन एल्गी पढ़ा देंगे, प्लांटेई बोलोगे तो ग्रीन रेड ब्राउन एल्गी बताएंगे। आगे चल के इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एल्गी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये एल्गी है? सबसे पहली बात, जितनी भी एल्गीज होते हैं वो सब एक्वाटिक होते हैं, यानी सब के सब पानी में पाए जाते हैं। दूसरी बात, ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसका मतलब है कि अपना खाना खुद से बना सकते हैं, और अगर अपना खाना खुद से बना सकते हैं तो ये सब कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफ। तो एल्गी की अगली कैटेगरी क्या मिल गई कि ये सब सारे कैसे हो गए? ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ है क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस तभी कर सकते हैं जब इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होगा। तो इसकी तीसरी चीज क्या मिल गई कि इनके पास क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। अब आता है कि एल्गी क्या अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, यानी अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं? बिल्कुल बढ़ाते हैं, क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दोनों कर सकते हैं, इसीलिए इनके पास पाया जाता है यूनिसेलुलर सेक्सुअल ऑर्गन्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गैमेटोफिटिक स्टेज क्या होता है, स्पोरोफिटिक स्टेज क्या होता है, और एल्गी में ये दोनों स्टेज पाई जाती है, गैमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक। जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन समझते हैं, यानी ऐसे समझिए कि जो स्पर्म है वो ओवम है, वो गैमेट है, तो वो हमेशा हैप्लॉइड होता है। तो गैमेट जब तक है तो उसको गैमेटोफिटिक, लेकिन जब दोनों फ्यूज होता है, जाइगोट बन जाता है, तो वो जो होता है उसको समझ लीजिए कि वो एक स्पोरोफिटिक स्टेज है। तो हम ये तो ह्यूमन बींग के केस बता रहे हैं, इसी को प्लांट के तरफ से समझिए कि जो गैमेट होंगे वो गैमेटोफिटिक स्टेज हो जाएगी, और जो डिप्लॉयड स्टेज आती है यानी फ्यूजन होने के बाद, उसको हम क्या कहते हैं? स्पोरोफिटिक स्टेज कहते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इनकी पूरी लाइफ साइकिल में जो गैमेटोफिटिक वाली स्टेज होती है वो बड़ी होती है, और जो लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक स्टेज की आती है वो बहुत छोटी होती है, इसीलिए इनकी पूरी लाइफ साइकिल को हम लोग हैप्लॉन्टिक कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीन तरीके की लाइफ साइकिल होती है, लेकिन अभी हम यहाँ बहुत शॉर्ट में समझते हैं कि गैमेटोफिटिक स्टेज अगर पूरी लाइफ में ज़्यादा है और स्पोरोफिटिक स्टेज कम होता है, तो उसे हम हैप्लॉन्टिक कहते हैं, जो कि एल्गी की लाइफ साइकिल होती है। अब जो क्लोरोफिल एल्गी में पाया जाता है वो कई तरीके का हो सकता है, जैसे अगर हम सारी एल्गी की बात करें, चाहे वो रेड ब्राउन कोई भी एल्गी ले लोगे, तो सब में क्लोरोफिल ए तो पाया ही जाएगा, यानी क्लोरोफिल ए इज कॉमन इन ऑल एल्गी। एक चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज, अगर ग्रीन एल्गी है या यूगलिना है तो ए के साथ बी भी पाया जाएगा, यानी याद ये करना है कि ए तो सब में हो गया, अगर ग्रीन है तो उसमें बी पाया जाएगा। अगर ब्राउन है, यानी क्लोरोफिल ए तो होना ही है सब में, ब्राउन वाले में सी भी हो जाता है, और अगर रेड एल्गी मिल जा रही है तो उसमें क्या होगा, ये ए तो रहेगा ही, फाइको एरिथ्रिन और फाइकोसाइनिन होती हैं जो कि रेड एल्गी को रेड अपीयरेंस देते हैं। तो ये बातें हैं कुछ एल्गी के बारे में।